पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश मुक्केबाज आमिर खान एक बार फिर खबरों में है, लेकिन यह खबर किसी खिताबी मुक्केबाजी में विरोधी को धूल चटाने से जुड़ी नहीं है। कुछ सेकंड में कई घूंसे जड़ देने वाले आमिर खान उस समय कुछ नहीं कर सके जब लुटेरों ने उन पर बंदूक तान दी और उनकी घड़ी छीन ली। और यह वारदात उनके गृह नगर ईस्ट लंदन में हुई, जहां वे एक शख्सियत हैं और जहां उनके हजारों फैन हैं। खुद आमिर खान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, अभी तुरंत ईस्ट लंदन के लिटन में बंदूक के बल पर मुझसे मेरी घड़ी छीन ली गई। मैं फरियाल के साथ सड़क पार कर रहा था, सौभाग्यवश वह मुझसे कुछ कदम पीछे थी। दो लोग दौड़कर मेरे पास आए, मेरे चेहरे पर बंदूक लगा दी और मुझसे घड़ी देने को कहा। मुख्य बात यह है कि हम दोनों सुरक्षित हैं। आमिर खान की जो घड़ी चोरी हुई है उसमें 719 हीरे जड़े हुए थे। ये घड़ी ही 19 कैरेट सोने की थी। इसकी कीमत लगभग 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपए है, यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 82 लाख रुपए। लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने आमिर खान से घड़ी लूटे जाने की वारदात की पुष्टि कर दी है, जांच जारी है। आमिर खान लाइट वेल्टरवेट कैटेगरी में चैंपियन रह चुके हैं। WBA और IBF के लाइट वेल्टरवेट चैंपियनशिप उनके नाम रही है। इस फरवरी में मैनचेस्टर में हुई मुक्केबाजी में वे ब्रिटिश मुक्केबाज केल ब्रुक से हार गए।